कर्मचारियों को अभी तक नहीं मिल पाया ग्रेजुटी। जो ग्रेजुटी की बात आपने की है, ये आपका एक तरह से कहा जा सकता है मौलिक अधिकार ही है, आपको मिलना चाहिए। हालांकि जैसे कि आपके सहयोगी ने बताया कि 2022 में इस तरीके का जीआर भी आया कि हमें सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन आज आप धरना एवं प्रदर्शन पर बैठे हैं, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में आपका क्या कदम रहेगा? हमारा आने वाले समय, हम 15 दिन तक राह देखेंगे, उसके बाद में हम अमर उपवेशन पे बैठेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मुंबई के आजाद मैदान में सेवा निवृत्त तथा सेवारत बेस्ट तथा मनपा कर्मचारी धरने पर बैठे नजर आए। हम आपको बताते चलें कि शासनादेश के बावजूद भी ये कर्मचारी पेंशन तथा ग्रेजुटी से वंचित हैं, जिससे नाखुश होकर यह कर्मचारी धरना और प्रदर्शन करने को मजबूर है। देखें एक रिपोर्ट। मुंबई के आजाद मैदान में है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ कहा जा सकता है बेस्ट कर्मचारी जो कि सेवारत भी है या सेवानिवृत्त, ये दोनों कर्मचारी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, बेस्ट की जो बात की जाती है वो मुंबई में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है बेस्ट का। बृहन मुंबई महानगर पालिका के संजोग से बेस्ट की जो बात की जाती है, बेस्ट के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट तथा इलेक्ट्रिसिटी दोनों आते हैं। वहीं आज धरना एवं प्रदर्शन पर ये नज़र आ रहे हैं, सेवारत कर्मचारी हों या सेवानिवृत्त कर्मचारी हों, क्यों धरना एवं प्रदर्शन पर बैठे हैं आइए हम जानते हैं। सर आप अपना नाम बताइए। लक्ष्मण श्यामराव डेकाटे। जैसे आपने कहा आपकी टोपी दिखाई दे रही है अफरो करके, तो ये है क्या? हम बेस्ट के सब कर्मचारी हैं, अप्रोच संगठना की तरफ से आज़ाद मैदान में धरना आंदोलन पर बैठे हैं। हमें बेस्ट के कर्मचारी होने के कारण हम अपना 14/12/2022 का जीआर के अनुसार, शासन जीआर के अनुसार हमें 10 महीने तक कुछ नहीं मिला है। 10 महीने तक मिलने का इतना नहीं, हमें कार्यरत भी है और सेवानिवृत्ति भी कार्यक्रम है, यानी जो रिटायर हुए वो भी लोग है और जो कार्यरत है वो भी लोग है, इसीलिए हमको 10 महीने से कुछ भी नहीं मिला। हमने बहुत प्रयत्न किए, जीएम के पास बहुत लेटर दिए, सब कुछ किए, तो भी हमको 10 महीने से कुछ हाथ में नहीं लगने के कारण हम मजबूरी से अफरोट के संगठन के नीचे हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। और 14/12/2000 यह जो शासन ने निकाला है उसमें सब सुविधा देने का आश्वासन किया शासन ने कि इनको सेवा विषयक लाभ सब दो, जो अपने सेवा विषयक में होता है, कार्यरत में होता है, वो सब दो। मगर कंपनी हमें कुछ नहीं दे रही है 10 महीने से, ना रजा दे रही है, ना ELT दे रही है, ना बोनस दे रही है। और जो सीनियरिटी क्रमांक रहता है, जो अपन सीनियर लोग है, हमारे यहाँ पे जो सीनियर है 55 के ऊपर है, जिनकी सर्विस 20-20, 25-25 साल हो गई है, उनको 30-30 साल हो गई है, उनको रोजंदारी बेसिक पे यानी टेम्पोररी बेसिक पे काम कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, आज का हमारा दूसरा दिन है। इसे आपने जो धरने की बात की है, तो इसकी सूचना आपने किसी अधिकारी को या मंत्री को मिला है? सभी अधिकारी को, सभी डिपार्टमेंट को, 15 हमारे डिपार्टमेंट है, मंत्रालय, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी का हमको ये OC मिला है, सबको हमने लेटर दिया है। ये देखिए, सबको इसके बाद ही इवन पुलिस स्टेशन को, पुलिस कमिश्नर को, सबको लेटर दे के उनका परमिशन दिए बगैर हमको ऐसा बैठने नहीं देते, नहीं तो फटके मार के हमको पुलिस स्टेशन में डाल देते। अभी तक आज का हमारा दूसरा दिन है, फिर भी प्रशासन कुछ जागा नहीं हो रहा है। शासन ने GR निकालने के बाद 14/12/2022 का GR निकला, अभी आज का कितना तारीख है, 10 महीने के ऊपर हो गया, अभी तक 14/12/2022 के GR का कोई ही अमल बजाने नहीं कर रहे हैं। उस GR में क्या लिखा गया? उस GR में BMC की क्या समस्या? BMC की समस्या ये है कि उन्होंने दिसंबर 2019 का और दिसंबर 2022 का जो GR निकला उसका इम्प्लीमेंटेशन बराबर न होने की वजह से अभी तक लोग वंचित है, अपना पेमेंट से, निवृत्ति वेतन से सबसे वंचित है। और ये प्रॉब्लम शासन का नहीं है, ये प्रॉब्लम इंटरनल BMC का है, क्योंकि उन्होंने जो 19 का GR निकला उसके हिसाब से उन्होंने जो अधिसंघ के पद पे वर्ग करने वाले थे
ने किया नहीं, पूरा इम्प्लीमेंट है, इसके वजह से वो प्रॉब्लम आ रहा है। यानी 14-12 का जो GR है वो तो उसकी वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, जो 19 का नहीं हुआ तो ये भी नहीं हो रहा है इसके। और इसके लिए सब अपना जो इधर क्लरिकल या कोई स्टाफ है उधर, वो सब रिस्पॉन्सिबल है उनको। ये अभी देखो दो मैडम है, उनका एक को अधिसंख्य वर्क किया है और दूसरे को नहीं किया है। अभी वर्क किया है उसको उसके हिसाब से उसका फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन जो वर्क सेम रैंक है, शिक्षिका शिक्षिका दोनों सेम रैंक है, लेकिन एक को मिल जाएगा बेनिफिट, दूसरे को मिलना। ये डिवाइड एंड रूल होता है कि तुम 19 को एक को फ़ायदा देता है दूसरे को देता नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। उसकी वजह से हमारा बातचीत चल रहा है हिसाब से, वो बातचीत हो गया तो हमारा ये हो जाएगा। अभी दो ही मांगे है था BMC का, BMC का जो 14-12 का GR निकला है वो स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा महाराष्ट्र के लिए निकला है, लेकिन उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ BST और BMC छोड़ के ही किया है। इसके लिए हमको ये कदम उठाना पड़ा बेमुदत अनशन का, सभी डिपार्टमेंट को उन्होंने उसके हिसाब से धोरण तय कर सबको महाराष्ट्र को दिया, सिर्फ BMC और BST को ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। हाँ सर, करीब सैकड़ों की संख्या में बेस्ट कर्मचारी हो या BMC के कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत्त हो या सेवारत हो, दोनों धरने पर बैठे हुए नजर आए। इनका यह कहना है कि बेस्ट के साथ या ये मुंबई में ही BMC के साथ इस तरीके का अन्याय क्यों हो रहा है, जहां तक कि इनका यह भी कहना रहा कि और जगहों पे अगर बात किया जाए, महाराष्ट्र शासन के और जगहों की बात की जाए तो सारे लोगों को इम्प्लीमेंटेशन हो या इस तरीके की जो तमाम सुविधाएं होती हैं वो मिल रही है, लेकिन हमारे मुंबई में ही क्यों ऐसा किया जा रहा है, ये इनकी मांग है। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़, मुंबई।